See, बेटे, लिसन टू मी केयरफुली. इफ यू हैव लाइक दिस चेन, हाइड्रोजन ही मैंने लगाए, और मान लो ये चेन है जिसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है, समझो इस बात को. तो अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन एटम है यहाँ पे, ठीक है, 7 कार्बन एटम है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 6 कार्बन एटम है. तो आपने प्रेफरेंस, चाहे 7 एटम आपकी लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, मगर आपने प्रेफरेंस किसको देनी है, जिसमें डबल बॉन्ड हो, चाहे वो शॉर्ट चेन बन रही है, ठीक है. जहां पे भी फंक्शनल ग्रुप होता है, अब ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप का रूप ले चुका है, ठीक है. तो जहां पे भी फंक्शनल ग्रुप है वहां पे हम प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर देते हैं, समझ आ रही है. तब हम ये नहीं देखते कि लॉन्गेस्ट चेन है या शॉर्टेस्ट चेन, गॉट इट. तो आपको बैलेंस करना आना चाहिए इसको, ये हमेशा अपने आप करना सीखो, ठीक है. तो इस केस में हम लॉन्गेस्ट चेन, ये देखो अब ध्यान से, अब मैंने एक ये काउंट की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भी तो बन रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बन रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बन रही है. तो हम ये नहीं सिलेक्ट कर सकते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हम ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है. हम स्ट्रेट चेन नहीं करेंगे बिल्कुल वाली, हम जिसमें देखेंगे डबल बॉन्ड है उसके बाद देखेंगे उसमें से कौन सी बड़ी बन रही है, ठीक है. इसकी नेमिंग करनी हो तो 8 है तो ऑक्टाइन, और इसके किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है, फोर्थ, फोर्थ पे क्या लगा है, इथाइल, तो फोर्थ इथाइल ऑक्ट 1E, ठीक है, 4 इथाइल ऑक्ट 1E, ओके, समझ आ रही है. अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों, देखो डबल बॉन्ड अगर मैं 2 लगा दूं, अगर आप यहां लगा दो, चलो यहां ही लगा, अब नेमिंग करो, दोनों पोजीशन पे फर्स्ट पोजीशन मिल रही है, डाइईन हो जाएगा, डाइईन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 4 इथाइल ऑक्ट 1, 7, 7 डाइईन, ठीक है. कैसे बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बोलोगे, 8 नहीं बोलोगे, लास्ट वाला नंबर नहीं लोगे, फर्स्ट वाला नंबर लोगे, ठीक है. सो इट विल बी 4 इथाइल 1 ऑक्ट 1, 7 डाइईन, ठीक है. अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो, अगर एक और बॉन्ड लगा दो, चलो करो अपने में, अरे आप जल्दी करो, 4 पे इथाइल ही, अभी भी 3 जगह पे ईन आ गया, तो 1, 5, 7 3 जगह पे आया ना, 1, 5, 7 तो देयर विल बी 4 इथाइल ऑक्ट 1, 5, 7 ट्राई, ठीक है, हो गया. अच्छा, अब मैंने क्या किया, ये हटा दिया, अब यहां पे आ गया ट्रिपल बॉन्ड, अब करो नेम, ठीक है, 4 इथाइल 1, 7 डाइईन 5 इथाइन आइन, ठीक है, 5 आइन. अच्छा, अगर यहां पे डबल बॉन्ड है, किसको बेटे, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड को सेम प्रेफरेंस मिलता है तो आपने डबल बॉन्ड को पहले देना, ये रूल है, एक मिनट, ये वाला कौन सा बन रहा है, अगर देखो बेटे ये 1, 2, 3, 4 है तो 5 है, ट्रिपल से कभी नहीं शुरू होता बेटे, ट्रिपल को तो बाद में प्रेफरेंस है. अब मैं एग्जांपल लेती हूँ आपको, मान लो
यहाँ पे डबल है, और ये मैं चेन कर दूं ऐसे, ये डबल है और यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो अब नेमिंग कैसे करोगे? डबल भी है ट्रिपल भी है, डबल से स्टार्ट करोगे, डबल को प्रेफरेंस मिलती है ट्रिपल से, क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में ई पहले आता है, वाई बाद में आता है, समझ आ रही है? अगर मैंने इसकी नेमिंग करनी हो तो कैसे करो, कितने कार्बन एटम है? 5, तो ये क्या बनेगा? पेंट 1-ईन, और ये क्या बन जाएगा? 4-आइन, ठीक है, पेंट 1-ईन और क्या बन जाएगा? 4-आइन, ठीक है, जो सिंपल से इसके रूल हैं। अब हम जनरल जीओसी स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और वही है मेन। वी आर स्टार्टिंग विद द आइसोमेरिज्म बेटे, तो आप स्ट्रेट चेन को पहले प्रेफरेंस दे दोगे, जिसमें है जो काउंट है उसकी नेमिंग वैसे कर दोगे जैसे सब्स्टिट्यूएंट की करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट करी थी ना उस दिन कॉम्प्लेक्स की, वैसे नेमिंग हो जाएगी। एल्टेक नॉमेनक्लेचर मैंने ले लेना बाद में जब हमारे पास टाइम बचेगा, एल्टेक कंप्लीट नॉमेनक्लेचर। चलो बेटे अब आ जाओ बेटे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सबसे पहले आइसोमेरिज्म। अब आइसोमर्स, पहले तो आपको स्ट्रक्चरल पता होने चाहिए बेटे, कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज बेटे चेन, देन पोजीशन, देन मेटामर्स, देन फंक्शनल, टॉटोमर्स, रिंग चेन भी होता। कन्फिग्रेशनल, कन्फर्मेशनल एंड ज्योमेट्रिकल, नो वॉइस आई सेट, स्टीरियो। सबसे पहले बेटे आइसोमर्स होते क्या हैं? अगर मैं आइसोमर्स की बात करूं, जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम, दे हैव मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम, यू वर डूइंग इन क्लास 10th ऑल्सो, यू हैव डन। सो द आइसोमर्स आर दैट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, समझो बुक्स में सब कुछ दे रखा है, समझने में क्या करो, बुक्स जाके पढ़ा करो घर जाके, ठीक है, जब तक कोई मर्जी ले लो, एनी एबीसी मॉडर्न कम प्रदीप कंपेनियन जो भी, एनसीईआरटी में प्रिसाइज दिए रखे वो नोट्स हैं, वो लास्ट में पढ़ते हैं। डिटेल नहीं है। अब सुनो बेटे ध्यान से, आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, जैसे हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करी थी, है ना, कितने जनों का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है? आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम हो मगर उनकी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है वो डिफरेंट हो जाए, ठीक है, अगर ये अरेंजमेंट ऑफ एटम्स स्पेस में डिफरेंट हो जाए तो हम स्टीरियो कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है, अगर 2D में डिफरेंट हो जाए तो हम उसको स्ट्रक्चरल कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है।
सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल करते हैं, अगर बात करें स्टीरियो की जिसमें ऑप्टिकल भी आते हैं, जिसमें कन्फर्मेशनल और आपके ज्योमेट्रिकल, ये तीनों तो अब आप अभी करोगे। ज्योमेट्रिकल शो करेंगे एल्कीन्स, ठीक है, आप हिंट लिख के रख सकते हो, ज्योमेट्रिकल शो करते हैं एल्कीन, जिसमें हम सिस और ट्रांस की बात करते हैं, सिस और ट्रांस की बात करते हैं, ठीक है। कन्फर्मेशनल जो आइसोमर्स होते हैं वो एल्केन शुरू होते हैं, एल्केन शो करते हैं, जैसे कि आप जब आप इथेन पढ़ोगे तो आप स्टैगर्ड और एक्लिप्स की बात करोगे, ठीक है, ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं। वैसे ही ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं जो हम क्लास प्लस टू में करेंगे, जिसमें हम प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेंगे, डेक्स्ट्रो या लीवो, वो 12th क्लास की बातें हैं। इस क्लास में जब आप स्टीरियो करोगे तो आप एक कन्फर्मेशनल की बात होनी चाहिए आपको ध्यान में रहनी चाहिए, और एक आपको ज्योमेट्रिकल की बात ध्यान में रहनी चाहिए। ज्योमेट्रिकल जो आप दिस स्कूल लेवल में करोगे तो हम ज्योमेट्रिकल में आपको सिस और ट्रांस बताएंगे, ठीक है, थ्री डायमेंशनल में सिस और ट्रांस बताएंगे, जिसको हमने जब आप जेईस की तैयारी करते हो इसका एडवांस लेवल चला जाता है तब सिस और ट्रांस की बात नहीं करते हम, इनको ई और जेड से बताते हैं। तो आप ब्रैकेट में लिख लो ई और जेड टाइप ऑफ होते हैं, ठीक है। कन्फर्मेशनल आप सिर्फ एल्केन्स में करोगे, वो कैसे करोगे, जब हम हाइड्रोकार्बन करेंगे तब ये सब कुछ करेंगे, अभी नहीं आएगा, ठीक है, अभी सिर्फ हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे और मैं थोड़ा बहुत आपको सिस और ट्रांस बताऊंगी, ठीक। अब आ जाओ स्ट्रक्चरल में, स्ट्रक्चरल में सिर्फ क्लास 10th में आप एक ही आइसोमर्स की बात करते हो जो होता है चेन, जैसे कि जब हम पेंटेन बनाते हैं तो आइसो पेंटेन भी बनाते हैं, नियो पेंटेन भी बनाते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हेक्सेन बनाते हैं तो हम एन हेक्सेन भी बनाते हैं, तो हम आइसो हेक्सेन भी बनाते हैं, मतलब चेन के साथ खेलते हैं कि चेन सीधी कर देते हैं, चेन ब्रांच कर देते हैं, तब हम उसको कहते हैं चेन आइसोमर्स, ठीक है, चेन आइसोमर्स। टॉकिंग अबाउट फर्स्ट टाइप ऑफ आइसोमर्स दैट इज चेन, मींस हमने चेन के साथ खेलना है, चेन को सीधा टेढ़ा बस ब्रांच। अच्छा, अब ये भी ध्यान रखना है स्टार्टिंग चेन बेटे, अगर मैं ये प्रोपेन है, दिस इज प्रोपेन, आप इसको चेन आइसोमर नहीं कह सकते, इसको आप चेन आइसोमर नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, एक बीड्स लगी हुई है, वायर है, वायर को ऐसे बेंड कर दिया, वायर को मैंने सीधा कर दिया, ये एटम इस एटम के साथ लगा हुआ है, ये ही एटम इस, सिर्फ इसको मैंने यहां ही किया और तो कुछ नहीं किया, कुछ किया और, तो दिस इज नॉट ए चेन आइसोमर। चेन आइसोमर होता है कि अपनी पोजीशन छोड़ के वो किसी और पोजीशन पे जाए, समझ आ रही है, तो इसे हम चेन आइसोमर्स नहीं करते। बच्चे पहली गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे एक ब्रांच दिखा देते हैं, ये ब्रांच यहाँ पे सीधी, ये ऐसे लिखो तब भी प्रोपेन है, ऐसे लिखो तब भी प्रोपेन, प्रोपेन में कोई आइसोमर्स चेन वाले बन ही नहीं सकते, म्यूट से शुरू करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बेटे, जैसे ये है, अब ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ लिंक्ड है, अगर इसको उठा के मैं यहां ले आऊं तो अब ये किस कार्बन के साथ लिंक्ड है, सेकंड, तो ये इसका चेन आइसोमर है, ये क्या हो गया, ब्यूटेन, आईयूपीएससी नेम में दिस इज अ ब्यूटेन, और ये क्या हो गया, टू मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, दिस इज ब्यूटेन, दिस इज टू मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। सो दिस इज अ चेन आइसोमर, आपने किससे खेला, अभी चेन से, आपने चेन को सीधा किया, चेन को ब्रांच बना दिया, क्या और कोई बन सकता है, नहीं बन सकता, बना सकते हो ज्यादा से ज्यादा, अगर ये उठा के लेके आओ तब भी यही है,
तभी नेमिंग तो वही रहेगी, क्योंकि इसको हम ऐसे नहीं बेंड कर सकते, वो तो मैं सीधी कर दूंगी वापस, आप इसको उठा के यहाँ लेके आ सकते हो ज्यादा से ज्यादा, तब भी 2-मिथाइलप्रोपेन ही रहेगा। ठीक है, अच्छा 5 मेंबर्ड है बेटे, नाउ देयर इज अ 5 मेंबर्ड। सबसे पहले हम इसको उठाया, यहां लेके आ सकते हैं, लेके आओ, क्या बन रहा है, जल्दी बनाओ, हरी आप। अब बेटे सब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव खत्म, हाथ चलने चाहिए अब आपके, लेके आओ जल्दी, हरी आप। टू मिथाइल ब्यूटेन, जब मैं अगर इसको यहां पे लेके आऊं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं? अच्छा, अगर हम ये वाला उठा के यहाँ पे ले आए तो कोई फर्क पड़ेगा? बनाओ, क्या बन रहा, 2,2-dimethylpropane, तो इसके 3 isomers बन गए, तो दैट इज कॉल्ड चेन आइसोमर्स। चेन के साथ हमने चेन में चेंजेस करे हैं, तो कभी ब्रांच बना दी, कभी स्ट्रेट बना दी। ठीक है, अब आ जाओ पोजिशनल आइसोमर्स। जब हम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करते हैं, दैट इज अ पोजिशनल आइसोमर। किसकी पोजीशन चेंज करनी है आपने? फंक्शनल ग्रुप की, क्योंकि हम चेन की पोजीशन तो चेंज करके देख ही चुके हैं। चेन आइसोमर में कार्बन्स की पोजीशन चेंज करी, अब हमने कार्बन्स के साथ नहीं खेलना, अब हमने किसकी पोजीशन के साथ खेलना है? जो फंक्शनल ग्रुप लगाओ। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट ये क्या है, ये क्या बताओ जल्दी, 1 is propane 1 all, अदर 1 is propane 2 all, तो हमने क्या चेंज किया अभी? फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, तो दैट इज कॉल्ड बेटे पोजिशनल आइसोमर्स, व्हेन वी चेंज द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, व्हेन वी चेंज द पोजीशन, सो बनाओ। अब मैं आपको बोलूं ड्रॉ 1 bromopropane एंड 1 bromobutane एंड 2 bromobutane, बनाओ हरी आप, 1 bromobutane एंड 2 bromobutane, हरी आप। पहले जितना नॉमनक्लेचर करवाया है वो करना सीखो, तभी मैंने छोड़ दिया बीच में, ये करवाए हुए ना इतना नॉमनक्लेचर, दो बनाओ 1 bromobutane एंड 2 bromobutane, तो दीज आर विच काइंड ऑफ आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स। नाउ ड्रॉ but 1 in एंड but 2 in, but 1 in and but 2 in, but 1 in and but 2 in, फास्ट होनी चाहिए, कुछ भी नहीं है स्ट्रक्चर आपके लिए। अब but 1 in and but 2 in, what kind of isomers are these? These are also positional isomers, as you are changing the position of the functional group. Okay, whenever you change the position of the functional group, the isomer result in the positional isomer. Got it? What is a chain isomer? You will play with the chain, you will change the chain, means you will make 1 branch 2 branch depending kitne carbon available hai aapke paas. ठीक है, और अ स्ट्रेट चेन, दैट इज कॉल्ड चेन आइसोमर्स।
जब आप पोजीशन चेंज करते हो फंक्शनल ग्रुप की, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर. ओके, व्हेन यू विल चेंज मींस आइसोमर्स, वी कैन से अगर हमने डिफाइन करना हो, ठीक है, द आइसोमर्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट. ठीक है बेटे, कंसेप्ट क्लैरिटी रखो केमिस्ट्री में, डेफिनेशन अपने आप याद हो जाती है बाद में, आप डेफिनेशन को क्रैम करते हो, वैसे केमिस्ट्री नहीं आती है, केमिस्ट्री कंसेप्ट से आती है. समझा करो, खुद जाके रीड किया करो, जल्दी याद होगी. ठीक है, अब डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी. उसके बाद हमें ये पता हो कि आइसोमर्स होते हैं क्या जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है. इन आइसोमर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो क्या चेंज है? पोजिशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. हाँ तो बेटे फंक्शनल ग्रुप ही है, एल्केन अलग, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, पोजीशन चेंज ही किया ना, एल्कीन फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे तो है, तो वो फंक्शनल ग्रुप ही ना. जब एल्केन में जब डबल बॉन्ड आती है तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो जाती कि सेम रहती है, बस फिर दिस इज अ काइंड ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप ओनली दैट चेंज. बट इज अ फंक्शनल ग्रुप यू हैव डन इन क्लास 10, वी चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. So why does alkene and alkene differ from each other? Because they are saturated and otherwise is unsaturated. So it is changing the property of an hydrocarbon. Why one hydrocarbon is different from other? Because of double or single bond. Isn't it? Okay. So these are bete what we called as positional isomers. Now what are metamers? Metamer actually बेटे उन groups में होती हैं जिनमें functional group बिल्कुल बीच में आता है, जैसे कि हम बात करें ethers, functional group के either side chain number of carbon atom in the chain different होंगे. Let me take the example, जल्दी समझ आएगा. Just see. अच्छा पहले इसका नेम करो, हरी आप इथॉक्सी इथेन, दिस इज अ ईथर ग्रुप. ठीक है, दिस इज इथॉक्सी इथेन, द फंक्शनल ग्रुप इज ऑफ ईथर. ठीक है, इथॉक्सी इथेन, तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या आया? बीच में, बिल्कुल बीच में आया. अगर अब मैंने क्या किया, तीन कार्बन एक साइड कर दी और एक कार्बन एक साइड रहने दिया, तो इट विल बी मिथॉक्सी प्रोपेन. नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज हुए? नो. नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम चेंज हुए? नो. नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम चेंज हुए? नो. क्या चेंज हुआ? फंक्शनल ग्रुप के इधर साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दैट इज कॉल्ड मेटामर्स. ठीक है, चेन में डिफरेंस आया. एक तरफ दोनों तरफ इथेन था, दो दो कार्बन एटम वाली थी, एक तरफ तीन कार्बन एटम वाली है और एक वन कार्बन एटम वाली है. इधर साइड ऑफ, इधर साइड, ये देखो, ये ऑक्सीजन के इस तरफ दो कार्बन थे और इधर भी दो कार्बन थे. अब ऑक्सीजन है तो यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे कितने हैं? थ्री. ठीक है, अच्छा अगर मैं आपको दूं प्रोपॉक्सी प्रोपेन, अरे आप प्रोपॉक्सी प्रोपेन बनाओ, इसके आइसोमर्स मेटामर्स बनाओ, प्रोपॉक्सी प्रोपेन. अब इसका अभी देखो ये क्या है, इथॉक्सी इथेन. मुझे पता कहीं होगा, अभी तक नॉमेनक्लेचर ही नहीं पता होगा. सो दिस इज इथॉक्सी. अब इसके नेमिंग कैसे करते हैं देखो, ध्यान से समझो. सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम था, एक के पीछे ऑक्सी लगाया है, एक के पीछे को वैसे ही बोलना. ठीक है, तो ये क्या बन गया? इथॉक्सी इथेन. अब यहाँ पे ऑक्सीजन था, एक तरफ एक कार्बन एटम थे, एक तरफ तीन थे, तो कम किसकी तरफ है? जहां पे वन है, तो वन के पीछे क्या लगाया? ऑक्सी. तो क्या बना दिया हमने? मिथॉक्सी प्रोपेन. ठीक, अब आपने बनाना है बेटे प्रोपॉक्सी प्रोपेन. हरी अब
अब इसके मेटामर्स बनाओ और मुझे बताओ क्या क्या बने हैं। हरी अब क्या बने हैं? ऐसे ऐसे बने, यही कह रहे हो? अब क्या करूं मैं, अब एक और उधर ले जाऊं? ये बने हैं। अच्छा मैंने क्या किया, ये उठा के मैं यहाँ ले, अब कोई आइसोमर नया बना? क्या नेमिंग में चेंज आया कुछ? अब तो नेमिंग में चेंज आया, क्या आया? अब आ गया इथॉक्सी टू मिथाइल प्रोपेन, तो ये भी एक आइसोमर नहीं है? चलो इतना डिफिकल्ट लेवल तो नहीं डालेंगे बेटे, आप बने जाएंगे, बहुत सारे बन जाएंगे जितने मर्जी बनाओ, पर आपको मेटामर्स का कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है? तो हमने क्या सीखा स्ट्रक्चरल में, सबसे पहले हमने सीखा चेन। चेन में क्या किया कि हमने कार्बन एटम की पोजीशन चेंज की, सिर्फ कार्बन चेन, अभी हमने फंक्शनल ग्रुप की कोई बात नहीं करी थी, सिर्फ चेन अपनी जगह से हटाई, उसको स्ट्रेट किया, उसको ब्रांच किया, डिपेंडिंग जितनी ब्रांचेस बन सकती हैं हम बना देंगे, ठीक है? चलो अब बनाओ फिर हेक्सेन के आइसोमर, चेन आइसोमर बनाओ, ड्रिलिंग अभी करो, हरी अप, वी हैव 2 मिनट्स, नया टॉपिक तो क्या स्टार्ट कर सकते हैं। हेक्सेन के चेन आइसोमर्स बनाओ, कितने बनाओगे? हरी अप, ड्रॉ हेक्सेन और टेल मी द आइसोमर्स यू आर फॉर्मिंग। कितने बने? एक हेक्सेन बना होगा, एक आइसो हेक्सेन बन गया होगा, जल्दी बनाओ, 2 मिथाइल पेंटेन बन गया होगा, अरे आप कितने बने टोटल?